हे hey दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में नॉलेज अबाउट मर्चेंट नेवी। सो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो तो माइंड मत करना, कमेंट करके बताना, मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट करूँगा उस चीज़ को। तो मैंने रिसेंटली अभी एंग्लो ईस्टर्न का एग्ज़ाम दिया था 10 तारीख को, तो उस रिटन टेस्ट दिया था और साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया था। साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है और इसमें पूरी जानकारी मिलेगी आपको रिटन टेस्ट के बारे में, किस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन थे एग्ज़ाम में, पीसीएम से 20-25 क्वेश्चन थे और 25 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, और शायद इसी में ही 100 क्वेश्चन में ही 5 to 10 क्वेश्चन के बीच में थे, याद नहीं है मुझे, रीजनिंग के क्वेश्चन थे, और 5 to 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, वो शायद इंग्लिश में कट थे, 22 क्वेश्चन के आसपास थे इंग्लिश में, बाकी 8 to 10 थे, और 8 to 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन थे, किस तरीके से मैंने अटैम्प्ट किए, किस तरीके से मैंने अटैम्प्ट किया उनको। हर सब्जेक्ट से मैं 5-5 क्वेश्चन उठाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन याद नहीं है कि क्या क्या थे, जो जो मुझे याद है उस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था फिजिक्स का, 2 मास गिवन थे हमें, एक एक का वेट था 5 kg, एक का वेट था 10 kg, और m1 m2। तो इसमें यह था, जब हम इसे एक हाइट से, पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करते हैं, फ्री फॉल के केस में, तो कौन सा जो मास, कौन सा m1 पहले नीचे गिरेगा या m2 पहले गिरेगा, कौन सा पहले ड्रॉप होगा। तो इसके ऑप्शन दिए थे, m1 ड्रॉप होगा, m2 ड्रॉप होगा, कॉन्स्टेंट ड्रॉप होगा, ऐसा जी हुआ था इसमें। लेकिन एक बात आपने सुनी नहीं कि वैक्यूम, यहाँ पे केस है वैक्यूम का। अगर आप ऐसे मान लो एक कॉटन को ड्रॉप करते हैं ऊपर से, छत पे से, और एक आयरन का कुछ भी ड्रॉप करते हैं, तो आयरन पहले गिरेगा, ये सबको पता है, और बिकॉज एयर रेजिस्टेंस लगता है जो कॉटन को डाले जाएगा। लेकिन वैक्यूम में एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, वैक्यूम में एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, इसलिए कॉन्स्टेंट गिरेंगे दोनों, इसलिए कांस्टेंट जमीन पे गिरेंगे, ये इसका आंसर था। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताता हूँ। 4 बल्ब्स थे अपने पास, 1 2 3 4, ये 4 बल्ब है, मैं इसमें नंबरिंग कर देता हूँ आपके लिए, इजी होगा आपको। तो मिनिमम इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था, मैं आपको बिल्कुल लिख के नहीं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। मिनिमम एक बल्ब को जलाने के लिए हमें कम से कम कितने सर्किट पूरे करने पड़ेंगे, इसमें कितने सर्किट। ऑप्शन थे 1 2 3 4, तो मैं आपको बता दूं मिनिमम आपको इसका आंसर होगा, मिनिमम आपको 2 सर्किट पूरे करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कैसे 2 सर्किट पूरे करने पड़ेंगे। अगर आपने एक सर्किट पूरा किया तो आपका बल्ब यहाँ पे, आपका जो बल्ब है वो यहाँ पे नहीं जलेगा, देखिए सर्किट अभी भी इनकम्प्लीट है यहाँ से। और अगर हमें इसको भी यहाँ से मिला लिया तो कितने सर्किट कंप्लीट किए, 1 2 सर्किट, तो हमारे यहाँ पे कितने बल्ब रन करेंगे, 2 बल्ब रन करेंगे, क्योंकि यहाँ से सर्किट इनकम्प्लीट है। तो मिनिमम 1 बल्ब तो आपका जल ही जाएगा, तो 2 बल्ब जल गए कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम 1 बल्ब मिनिमम दिया हुआ है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 1 2 बल्ब के लिए, 1 बल्ब के लिए दिया हुआ है, तो 2 सर्किट यहाँ पे पूरे हो गए। तो इसका आंसर था, होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। तो सेकेंड, तो मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूंगा अपनी वीडियो में। सो बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या था, इसमें आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 11th क्लास में, ग्रेविटेशन चैप्टर, तो उसी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि इसमें वेरिएशन ऑफ जी था, कि जैसे हम जब ऊपर जाते हैं तो भी जी की वैल्यू कम होती है, लेकिन कॉन्स्टेंट लेते हैं 9.8 लेते हैं मीटर पर सेकेंड लेते हैं, तो ये होती है जी की वैल्यू, बट ये ऊपर जाते हैं तो वेरी करती है, कितने ऊपर हाइट पे है तो कम होती जाती है, और डेप्थ में भी इंक्रीज होती है, ऑलमोस्ट यहाँ 0 होती है वैल्यू जी की। तो यही कॉन्सेप्ट आपने इसमें लगेगा, इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट था। एक आपके पास दिया हुआ था, कोई भी बॉडी दी हुई थी, कुछ भी ऑब्जेक्ट, जैसे एक आदमी है, एक आदमी लगा लीजिए, तो अगर ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, तो इसका क्या कम होगा और क्या कांस्टेंट रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन दिए थे मास कांस्टेंट, वेट इंक्रीज, इस टाइप के ऑप्शन दिए हुए थे, और इसमें दिया था मास डिक्रीजेस वेट इंक्रीजेस। लेकिन इसका मैं आपको सही आंसर बता दूं, इसका मास होगा कांस्टेंट,
मास कांस्टेंट होगा इसका और इसका वेट डिक्रीज होते जाएगा, इसका वेट डिक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, और जैसे ही वो ग्रेविटी में को टच करेगा उसका वेट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, लेकिन मास जीरो नहीं होगा उसका, इसलिए इसका ऑप्शन था मास कांस्टेंट एंड वेट डिक्रीजेस। हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, तो जैसे कि आप एक बिल्डिंग मान लीजिए, एक बिल्डिंग मान लीजिए ठीक है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो है एम, उसका मास है कुछ भी लगा लीजिए आप, कुछ भी हो जैसे टेन लगा लेते होंगे, मुझे एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू तो याद नहीं है क्या थी, बट मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ। तो अब हमने इसको ड्रॉप किया, ये एक पर्टिकुलर हाइट पर रखा हुआ है, अब हमने इसको ड्रॉप किया, ये हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है हमें ठीक है, बिल्डिंग की डिस्टेंस मतलब वो यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या डिस्टेंस होगी, तो हमें एम ये टेन के लिए दिया हुआ था, इसमें बस आपको कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन पुट करनी है s = ut + half at square वाली, इसमें इनिशियल वेलोसिटी पूछी हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, टाइम दिया हुआ था तो ये तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा, टाइम की वैल्यू दी हुई थी और हम मान लेते हैं टाइम की वैल्यू 10 दी हुई थी कि 10 सेकंड में यहाँ से आ जाएगा, मान लीजिए आप वैसे कुछ और दिया हुआ था, और हाँ और एक्सेलरेशन तो आपको पता ही है वो जी से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन है तो एक्सेलरेशन लगाएगा, और इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, मैंने अभी बताया आपको, तो इस टाइप का था। सो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी, जी की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और आपका ऐसा जाएगा जो भी डिस्टेंस है। तो बढ़ते अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, इस टाइप का एक डायग्राम दिया हुआ था, तो इसके अंदर बताया हुआ था फुल फ्लूड भरा हुआ था, इसके अंदर हम लगा लेते हैं वाटर भरा हुआ था, इसके अंदर वाटर एक कॉमन चीज है तो वाटर भरा हुआ था। तो इस क्वेश्चन था प्रेशर एग्जर्टेड बाय फ्लूड किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन था और उसके ऑप्शंस थे, आपको मैं ऑप्शंस याद है, ये क्वेश्चन मुझे याद था क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता नहीं था, मैंने घर आके देखा था। तो ए ऑप्शन था एच, बी रो और सी था जी, और यहाँ पे था डी ऑल ऑफ दिस। तो मैं इसका रो करके आया था क्योंकि मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला याद था, एक एच रो जी होती है शायद डेंसिटी, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था, मुझे ढंग से याद नहीं है बट मैंने ये ऐसा कुछ पढ़ा था। तो इसका आंसर मैंने तो ये किया था बट ये करेक्ट आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। सो इसका प्रेशर एग्जर्टेड बाय, सो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर इसलिए होगा, मैंने देखा था अपनी बुक में और सर से भी पूछा था मैंने अपने, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है एच रो जी, ये फॉर्मूला होता है इसका, तो प्रेशर इन तीनों में वेरी करेगा, ये डेंसिटी रो है और जी तो है ही ग्रेविटी और एच हाइट, तो ये तीनों में वेरी करेगा। मैंने इस टाइप का कुछ पढ़ा था बट मुझे रो याद था तो मैंने ये किया था, बट इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। तो ये थे गाइस हमारे पांच क्वेश्चंस, होप आपको ये पसंद आए होंगे पांच क्वेश्चन और समझ में भी आए होंगे, नहीं आए होंगे तो बता देना, मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा ठीक है। मैथ्स की तरफ, मैथ्स से किस टाइप के क्वेश्चन थे, तो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिए हैं, थोड़ी वैल्यू चेंज हो सकती है, ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं अपनी बुक से उठाए हैं, लेकिन क्वेश्चन आप, मैं आपको एक बात बता दूं कि यही वैल्यू नहीं थी बट क्वेश्चन यही था, क्योंकि जो मेरे माइंड में है मुझे याद है यही क्वेश्चन था, बस चेंज किया हुआ था थोड़ा वैल्यू को, लेकिन आपको हिंट मिल जाएगा इस क्वेश्चन से किस टाइप का था। तो ये क्वेश्चन था, इफ मैट्रिक्स ए, A determinant is equal to 3, find 5 A determinant where matrix A is the order of 2 into 2 matrix थी, 2 by 2 की matrix थी, तो इसका आप answer find कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए मैं explain नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफी easy questions है, आप कर लीजिएगा, इसका 75 answer आएगा, और ये evaluate करना था, ये simple integration है, दो step में हो जाएगा, आपको पता है जो 7.1 है आपकी x i, उसके में वहां फॉर्मूले दिए हुए हैं उससे ही हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। अगर आपको चाहिए इसके सॉल्यूशन तो मैं इसका PDF बना के डाल दूंगा या फिर एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन पे हमें x डिस्टेंस फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था ये, तो
मैं समझाता हूँ उस क्वेश्चन को, भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लगा मुझे, वैसे है नहीं है। बाकी इसको एच मान लेते हैं, कैसे निकालते हैं बताता हूँ। पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा 10 60 10 60 हो जाएगा, और अब हम करेंगे एच अपॉन 5, ये हो जाएगा। तो एच की वैल्यू हो जाएगी 10 60 होता है √3, और ये 5 इधर आ जाएगा, और ये एच, तो ये एच की वैल्यू आ जाएगी 5 √3। अब कंसीडर कर रहे हैं ये वाला ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो बेसिकली ये इसी टाइप का लगेगा, 10 45 डिग्री यहाँ पे लगा देंगे, और इसकी वैल्यू रख देंगे, अब एच की वैल्यू रख देंगे 5 √3 अपॉन में x+5, ठीक है। और 10 45 होता है 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, और ये जब इधर आएगा तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर ये x+5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 √3। अब x की वैल्यू आप निकालनी थी, वो यहाँ पे मुझे आती दिख रही है, तो यहीं तक छोड़ सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, ऑप्शन में ये था, मुझे याद है ये क्वेश्चन, मुझे याद है ये था ऑप्शन में। सो अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन एपीजीपी का उठा रहा हूँ मैं, 11th क्लास की, वैसे काफी इजी है। तो ये बताना था मेरे से 57 है ये, 57, तो ये कौन से टर्म पे आएगा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये कौन से टर्म पे आएगा ये वाला। तो इसका आपने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था, पहले तो हम ए की वैल्यू इसमें हो जाएगी 2, और ये हो जाएगा 7 - 2 = d हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा आपका d, तो d इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब आपने nth का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, an इज इक्वल टू, तीन तो हमने पढ़ा था a+n-1 इनटू में d, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था जहां तक मुझे याद है, और an है अपना 57। तो अब बस वैल्यू पुट करनी है हमें, और कुछ नहीं करना, तो 57 यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, और a दिया हुआ है हमें 2 दिया हुआ है, प्लस n दिया, n तो हमें सॉरी निकालना ही है, n तो हमें n-1, और d की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 दी हुई है। तो अब क्या करने वाला हूँ मैं, नीचे पहले तो इस 2 को, तो ये 55 हो जाएगा, जब ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का, 55 हो जाएगा। और इसको मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, आप समझ जाना, इस 5 को मैं नीचे ले जाने वाला हूँ, 5 और इज इक्वल टू n-1, सो ये कट जाएगा 11 पे, कट जाएगा, और इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये माइनस है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा 12, तो ये आएगा 12th टर्म पे, n की वैल्यू आ गई, तो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये आएगा 12, तो यही ऑप्शन में दिया हुआ था इसी टाइप के। बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन की, मैथ्स की, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से उठा रहा हूँ ये क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 या 3 क्वेश्चन बने थे, तीसरा क्वेश्चन जो था उसमें प्रोबेबिलिटी से बना हुआ था, वो प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज हुआ था। तो मैं पहले आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन करके दिखाता हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन, क्या कौन सा क्वेश्चन था, किस टाइप का था, कैसे आप सॉल्व करें। तो कोई नंबर दिया हुआ था 2 3 5 7 और 9, ये हमें पांच पांच नंबर दिए हुए थे, कोई भी वैल्यू हमें हो सकती है, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो हमें इससे 4 4 डिजिट, आप 3 डिजिट भी बना सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि 4 डिजिट इवन नंबर बनाना है, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है नंबर का। तो इसको इजी वे में आप कर सकते हैं, काफी इजी वे में कर सकते हैं, हमें यहाँ पे 5 डब्बे बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसी तरीके से करता हूँ, आप 4 डब्बे बना लेते हैं, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर बनना है, तो हमें लास्ट में क्या होना चाहिए, जो हमने, क्योंकि ये नंबर जो होना चाहिए वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए लास्ट में। तो यहाँ पे सिर्फ एक वे है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, 9 नहीं होगा, 9 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 वे है, 1 वे, यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है, एक नंबर यहाँ पे अब फिक्स हो गया, अब हमारे पास 4 बचे हुए हैं, एक यहाँ पे फिक्स हो चुका है, और ये इसीलिए है क्योंकि इवन बनाना था, तो 2 यहाँ लास्ट में रखना कंपलसरी था, इसलिए 1 वे है, और अब 4 ये बचे हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या कुछ भी रख सकते हैं, 4 वे,
और यहाँ पे रख सकते हैं हम, अब यहाँ भी एक फिक्स हो गया है, तो एक और नंबर में कोई सा भी काट देता हूँ, ये तीन नंबर बचे हैं, या तीन नंबर में से कोई एक यानी कि यहाँ पे हो जाएगा थ्री वेज और यहाँ पे हो जाएगा टू वेज, और फिर हम सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू वन, तो आंसर आ जाएगा अपने सिक्स हो जाएगा, ये 24 आंसर आ जाएगा आंसर। सो केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, केमिस्ट्री में क्या पूछा था मुझसे, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, तो मुझे ज्यादा याद नहीं है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, मुझे ज्यादा याद नहीं है, मैं कम पढ़ता हूँ थोड़ी केमिस्ट्री क्लास में भी, और मैं थोड़ा वीक भी हूँ, बाकी मार्क्स मेरे केमिस्ट्री में ठीक ठाक आ जाते हैं रट रटा के, कुछ भी मुझे क्वेश्चन ढंग से याद नहीं है, बट मैं आपको बता दूँ ये टॉपिक्स मुझे याद है, जो टॉपिक्स पे से क्वेश्चन थे वो टॉपिक मुझे बिल्कुल याद है, और जो बुक में टॉपिक दिए हुए थे IMU CET गेटवे की बुक मैं पढ़ता हूँ जिससे मैंने पढ़ा था, तो उसमें भी ये टॉपिक दी हुई है, और जो मैं मेरा भाई ने मुझे बताए हैं यही टॉपिक्स में से क्वेश्चंस थे, वो केमिस्ट्री में वीक तो नहीं है बाकी इंटेलिजेंट है वो, तो उसी ने मुझे टॉपिक्स बताए, और मैं आपको पक्का बता सकता हूँ कि इससे ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, छह टॉपिक लिखे हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, सॉलिड स्टेट में पैकिंग एफिशिएंसी का एक क्वेश्चन आया था बिल्कुल BCC का आया था, तो रेडॉक्स रिएक्शन से एक दो रिएक्शंस आई हुई थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई हुई थी, और ये कुछ गैस के लॉ आए हुए थे जैसे बॉयस लॉ, शार्स लॉ क्या बताते हैं उसमें छोटे छोटे, फिर उसमें जैसे बॉयस लॉ क्या बताता है उसके चार ऑप्शंस थे, फिर आपको टिक करना था, इस टाइप के क्वेश्चन ही बने हुए थे, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ये टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है IMU CET के लिए भी, और एंग्लो ईस्टर्न के या किसी भी आप स्पॉन्सरशिप का एग्जाम दे तो ये टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, मैं आपको केमिस्ट्री में इतना ही बता पाऊंगा, क्वेश्चंस मुझे ढंग से अभी याद नहीं है, बाकी यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन देख लेगा। सो केमिस्ट्री में ये टॉपिक्स थे, और एक दो क्वेश्चन थे स्ट्रक्चर्स के ऊपर थे, ये स्ट्रक्चर्स थे शायद SF6 का स्ट्रक्चर था, SF6 का स्ट्रक्चर था, और एक और स्ट्रक्चर था BF3 का, दो क्वेश्चन थे ये मुझे याद है बिल्कुल, दो स्ट्रक्चर्स थे, तो स्ट्रक्चर्स भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दो तीन क्वेश्चन आपको वैसे के वैसे रखे मिल जाएंगे, तो स्ट्रक्चर्स आप बिल्कुल कीजिएगा, स्ट्रक्चर्स को स्किप नहीं करना,